Hi friends, welcome back to my channel. My name is Bijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करते हैं कि कैसे कोई एक कंपनी, कोई बहुत ही बड़ी कंपनी कुछ फ्रेशर्स के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है, ठीक है। तो दो चार दिन पहले ही एक बड़ा न्यूज़ में आया है कि इन्फोसिस ने कैसे तकरीबन क्लोज टू 500 फ्रेशर्स का लाइफ ख़राब किया हुआ है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो एक्चुअली पूरा बैकग्राउंड जितना भी है, जितना भी आया है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस रोल के लिए वो लोग हायर हुए थे, क्यों डिले है और उनका नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग कब करेंगे ये, और कितने दिन का डिले हुआ है अभी तक, राइट। और इस पे इन्फोसिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। तो डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज अगर आप इन्फोसिस में हो देन डेफिनेटली इट्स रिलेटेबल टू यू गाइज, और आप इन्फोसिस में नहीं भी हो देन यू शुड नो के आपके आजू बाजू आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्लोज टू 500 फ्रेशर्स का अभी तक इन्फोसिस ने ज्वाइनिंग नहीं कराया है पिछले दो साल से, या आई रिपीट, पिछले दो साल से इनका अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। और अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखो अगर आप लोगों ने थोड़ा फॉलो किया होगा इन्फोसिस का जो भी स्ट्रैटेजी है या पूरा ओवरऑल ग्रोथ और हायरिंग स्ट्रैटेजी, राइट, एवरीथिंग अगर आपने फॉलो करा होगा तो आप लोगों को पता होगा 2022 में इन्फोसिस ने बहुत ही एग्रेसिव हायरिंग करी थी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेशर्स, ठीक है। और मतलब क्लोज टू 50,000 फ्रेशर्स इन्होंने उठाए थे सारे अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम यू नो अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस। और तब से ही हालांकि इनका इन्होंने जिस तरीके से मार्केट को एसेस करा था, राइट, उस तरीके से मार्केट गया नहीं। और कुछ अनफॉर्चुन चैलेंजेस और आईटी स्लो डाउन हुए और कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, राइट, और कहीं कहीं पे बहुत ही कम क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स आए। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि इन धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स कम होती गई, तो धीरे धीरे लोगों को की ऑनबोर्डिंग धीरे धीरे डिले होती गई, ठीक है। और जैसे जैसे ऑब्वियसली बैचेस में इन्फोसिस ने बुलाया और इन्फोसिस ने ऑनबोर्डिंग करी, लेकिन उसमें से अभी भी 500 फ्रेशर्स ऐसे हैं जिनका दो साल से अभी तक कुछ भी ऑनबोर्डिंग नहीं आया है, ठीक है। और एक और चीज़ है, देखो सिर्फ इन्फोसिस पे ही हम नहीं कर सकते, राइट, हमने और भी बहुत ही सारी बड़े बड़े कंपनीज में TCS, HCL सब पे हमने देखा है कि बार बार डिले इन ऑनबोर्डिंग का न्यूज़ आता रहता है। लोग अपना जो इम्पैक्टेड फ्रेशर्स है या तो जो इम्पैक्टेड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना सिचुएशन वो सोशल मीडिया में शेयर करते हैं और हमको पढ़ने को मिलता है और जानने को भी मिलता है ना। तो सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं है, और भी तकरीबन उस रेंज के और भी कंपनीज हैं, राइट, जहाँ पे हुआ है और अभी भी है और ऑब्वियसली फ्यूचर में भी होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ये जो 500 फ्रेशर्स हैं वो किस रोल पे हायर हुए थे। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग का सा आपको सिस्टम इंजीनियर वाला ही डेजिग्नेशन मिलता है। और एक चीज़ पॉइंट करने वाली नोट करने वाली चीज़ है कि ये जो रोल है सिस्टम इंजीनियर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड रोल हो सकता है, क्योंकि एज अ सिस्टम इंजीनियर आप सिर्फ बेसिक जॉब्स ही करोगे, राइट, डे टू डे जॉब्स जिसको इजीली ऑटोमेट किया जा सकता है और कंपनीज उस पर इन्वेस्ट कर रही है, एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें डे टू डे जॉब ऑटोमेटेड हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत AI का भी इन्फ्लुएंस होगा, और वो सिर्फ ये 500 बच्चों के लिए नहीं है, और भी जिन जिन का डिले हुआ है या तो जिन जिन का कैंसिल हो गया है, राइट, ऑफर लेटर, उन सब पे भी ये AI का इम्पैक्ट आया है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। और उसमें से इन 500 बच्चों में से एक ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे शेयर करा था, और जिसपे उसने बोला है कि यार इसका दो बारी ज्वाइनिंग डिले हुआ है और अभी का सिचुएशन तो ये है कि इस बारी तो इन्फोसिस की तरफ से ऑफिशियल मेल पे कोई टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नहीं है, नेक्स्ट टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी और जितने भी बच्चे अपने डेट ऑफ नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब मेरा ऑनबोर्डिंग होगा
उसके बारे में जो भी क्वेरी ईमेल्स भेज रहे हैं तो इन्फोसिस के तरफ से एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ रहा है, ऑटोमेटेड इन द सेंस एक टेम्पलेटेड रिप्लाई आ रहा है, राइट। और जिसमें बेसिकली यही है कि आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दैट वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी अपडेट ऑन योर नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग बट वी विल अपडेट यू इन कमिंग मंथ्स। बस यही टेम्पलेट से जवाब आ रहा है सबके लिए। और इस पे इन्फोसिस के तरफ से भी पूछा गया था कि यार मतलब क्या चल रहा है, तो इन्फोसिस के तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि उनका यही कहना है कि देखो दे विल ऑनर ऑल द ऑफर्स दैट इज फॉर श्योर, और ऑनबोर्डिंग होगी वो, लेकिन ऑनबोर्डिंग इज कम्प्लीटली अलाइंड विथ क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, और इन्फोसिस धीरे धीरे बैचेस में ज्वाइनिंग करवा रही है। तो यही अपना जो रटा रटाया सा जो जवाब होता है वही चीज़ है। लेकिन अब लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आप 2 साल कैसे डिले कर सकते हो, राइट। और वो भी 500 क्लोज टू 500 फ्रेशर्स, 500 बच्चों के लिए आप 2 साल डिले तो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे तो है नहीं कि आपने बीच में 2022 के बाद से 2023 में हायरिंग करी उनको ज्वाइनिंग नहीं करा, राइट। तो आप मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि यार पहले जो आपका बैकलॉग वाला जितना है उसको तो आप क्लियर करो, नेक्स्ट जो भी आ रहा है उनमें उन बच्चों को एकोमोडेट करो ना, और जो अभी आपने रिसेंटली करा है उनको थोड़ा होल्ड करो, और नेक्स्ट ईयर से फिर से एक बारी मार्केट एसेस करो और उस हिसाब से हायरिंग करो, ठीक है। पहले बैकलॉग क्लियर करो और फिर जो क्यू में आता है उस हिसाब से देखना चाहिए। पर ये एब्सोल्युटली कॉमन सेंस है। अब क्या रीजन हो सकता है, आई डोंट थिंक ऐसे कुछ रीजन होगा, राइट, कि कुछ बैकग्राउंड में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो या वट एवर एक्स वाई जेड रीजन, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ऑब्वियसली ये लोग 2 साल होल्ड तो नहीं करते, राइट। और ये डायरेक्ट ऑब्वियसली दे वुड हैव कम्युनिकेटेड विद द कैंडिडेट, राइट, कि यार आप ये प्रॉब्लम है, वी कैनॉट ऑनर योर ऑफर लेटर, या तो आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। देन वॉट इज द रीजन, लाइक बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि 6 महीना 8 महीना साल भर ऑब्वियसली 2-3 महीने भी कंसिडरेबल नहीं है, आइडियली वो भी नहीं होना चाहिए बिकॉज यू प्लेइंग विद द करियर, किसी का आप करियर के साथ खेल रहे हो। बट जिस तरीके से ट्रेंड बनते जा रहा है कि 6 महीना इज लाइक काइंड ऑफ नॉर्मल होता जा रहा है, राइट, तो उस हिसाब से भी देखो तो यार 2 साल तो बहुत ही ज़्यादा है। और यही है मेरे, जैसे मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों से बताया कि यार थोड़ा इनको देखना चाहिए, इस तरीके से आप खेल नहीं सकते एक्चुअली ना, किसी का करियर नहीं बर्बाद कर सकते। और अगर आपको नहीं ज्वाइन कराना है तो डू लेट देम नो, राइट, बिफोर दैट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन वी हैव केप्ट इन होल्ड एंड वी डोंट वांट टू प्रोसीड। क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस मामले में, एंड यही अपडेट था जो आया, थोड़ा मार्केट में आया था, आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइस। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।